राकेश मारिया सेज, ये तो ट्रेलर था जानी, पिक्चर तो अभी बाकी है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगले जन्म में क्या बनोगे, दोबारा एक पुलिस वाले या कुछ और, तो यूपीएससी में पांचों ऑप्शंस में आईपीएस, 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 आईपीएस लिखने वाले ऑफिसर ने कहा, आई कांट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज बीइंग समबडी एल्स। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज किताब की कहानी राकेश मारिया की है, बैंड्रा बॉय, जैसा वो खुद को बोलना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र का बैंड्रा बॉय। लेट मी से इट नाउ, ये किताब जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसको जब पढ़ा मैंने तो ऐसे लगा सत्या या बॉम्बे की कोई गैंग वॉर की मूवी चल रही है। ऑफकोर्स एक सुपर कॉप की ऑटोबायोग्राफी है तो ये सारी चीजें ही सामने आनी थी, लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि आप गैंग वॉर्स के बारे में ही बार बार पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने छोटे चैप्टर्स रखे हैं, हर एक इवेंट को कुछ पन्नों में समेट लिया है। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में इमोशनल होता है या उसने खुद गो थ्रू किया होता है, तो उसको इतने संक्षिप्त में, समराइज मैनर में प्रेजेंट करना, वो बहुत मुश्किल है। वो राकेश मारिया ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये चीज़ ये भी बताती है कि मेंटली कितने बैलेंस्ड हैं वो। मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे आप, शूट आउट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके 36 इयर्स के टेन्योर में ये सारे मेन केसेस उन्हीं के सॉल्व किए हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम। एंड ऑफ द बुक में वो ज़रूर कहते हैं, क्योंकि उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी रिमोर्स, कोई केस आपसे अनसॉल्व्ड रह गया हो, तो वो एक केस के बारे में बात करते हैं। हालांकि वो हाई प्रोफाइल केस नहीं था, किसी BVIP का केस नहीं था, बट दैट रिमेन्ड इन हिज हार्ट कि उस केस में और कुछ ज्यादा किया जा सकता था, उस केस को भी सॉल्व किया जा सकता था। देयरफॉर ये पता चलता है कि उनके लिए सारे केसेस एक बराबर थे। इस बात को मैं इसलिए ज्यादा जोर देके कह रही हूँ क्योंकि एंड ऑफ द बुक में आप पढ़ेंगे शीना बोरा केस के बारे में, वो केस जो इतने सालों का काम किया हुआ राकेश मारिया का कहीं पे मिलाइन हो गया। उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं शीना बोरा केस में, वो शीना बोरा और पीटर को पहले से जानते थे। ये सारी बातें मीडिया में आई, समय से पहले उनकी प्रमोशन हो गई, साथ ही ट्रांसफ़र इस केस को छोड़ने के लिए। आपको एक बात बता दूं कि राकेश मारिया की प्रमोशंस मोस्टली समय से पहले हुई है, वो इसलिए भी क्योंकि वो काबिल थे, लेकिन इसलिए भी क्योंकि और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनका इंतज़ार कर रही थी और वो समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था, तो मोस्टली उनकी प्रमोशंस पहले हुई है। इस बुक को पढ़कर एक बात समझ आती है, जो गुड लीडर्स होते हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं, जिनके पीछे दुनिया चलती है या उन्हें फॉलो करना चाहती है, उन्हें अपनी टर्म्स डिक्टेट करना, क्लियरली फर्मली रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल रखना, अपनी टीम को साथ लेके चलना, उनको समझना, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दो तीन इंस्टेंसेस हैं इस बुक में, मैं आपको बताती हूँ। बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, ये छोटा सा एनेक्डोट है उस टाइम का जब राकेश मारिया बॉम्बे के कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ में उन्हीं के कार में जा रहे थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस बाहर देख रहे थे, परेशान थे। राकेश मारिया सोच रहे थे कि कैसा लग रहा होगा उस आदमी को जो इस सिटी की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके होते हुए ये सब हो गया, वो खुद को कहीं रिस्पॉन्सिबल समझ रहा होगा। इतनी देर में द कमिश्नर टर्न्स टुवर्ड्स राकेश मारिया एंड ही सेज, राकेश इट्स अ लॉन्ग वे अहेड, तुम खाना खा लेना। तो उस वक्त राकेश मारिया टेक्स अ लर्निंग कि जैसा भी वक्त हो, जितनी भी बड़ी मुसीबत आई हो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर टीम, क्योंकि वही इस काम को एक रिजल्ट तक पहुँचाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बॉम्बे ब्लास्ट से रिलेटेड कोई मूवी देखी होगी या कोई बुक पढ़ी होगी। बहुत बड़ी चीज़ हुई थी ये इंडिया में, उसमें एक नाम था बादशाह खान। यहाँ पे मैं सिंसेरिटी टुवर्ड्स ड्यूटी का एक इंस्टेंस बताती हूँ। जब बादशाह खान को पकड़ने राकेश कदम के साथ में टीम गई थी, तो इतना लंबा समय हो गया कि उनके पैसे ख़त्म हो गए। उस वक्त राकेश कदम और एक और पुलिस ऑफिसर ने अपनी गोल्ड की चेन और घड़ी बेच दी थी वहां पे उस वक्त सरवाइव करने के लिए, ताकि वो बादशाह खान को वापस अपने साथ ले जा सके। ये कहने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर समझने की ये बात है कि जो ऑफिसर्स
अपने काम को बहुत सिंसेरिटी से अंजाम देते हैं। वो बहुत कुछ खोते भी हैं इन द लाइन ऑफ सर्विस, जैसे जब राकेश मारिया क्राइम ब्रांच में थे, अंडरवर्ल्ड के साथ डील कर रहे थे, उस वक्त उन पर उनकी फैमिली पर लाइफ थ्रेट था, तो उनके बेटे को जो उस वक्त बहुत छोटा था उसे भी सिक्योरिटी मिली थी, उनकी फैमिली को भी और ऑफ कोर्स राकेश मारिया को खुद भी। अब इस छोटे बच्चे को जिसे सिक्योरिटी मिली थी, ऑफ कोर्स व्हाट वाज एविडेंट वाज इसको लाइफ थ्रेट है, देयरफॉर उसके आसपास के बच्चों ने या जो बच्चे उसके साथ खेलते थे उन्होंने खेलना बंद कर दिया था। हर माँ बाप सोचेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों अपने बच्चे को भेजे। तो इट वॉज काइंड ऑफ अ लोनली चाइल्डहुड अवे फ्रॉम द फादर। अवे फ्रॉम द फादर इसलिए क्योंकि राकेश मारिया दिनों दिन तक लगातार काम करते थे, ही इज अ वर्कहॉलिक। घर पे शाम की चाय की लग्जरी, सनसेट देखने की लग्जरी, ये उन्हें टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज सर्विस मिली। उनकी वाइफ प्रीति बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही इस पूरी जर्नी में, और इस बात का ग्रैटिट्यूड राकेश मारिया ने बार बार इस किताब में दिखाया भी कि हाउ हिज फैमिली, हिज वाइफ, हिज पेरेंट्स हैव सफर्ड इन द ड्यू कोर्स बिकॉज ऑफ हिज सर्विस विदाउट एनी कंप्लेंट। आखिर में वो ये भी कहते हैं कि रिटायरमेंट सिर्फ मेरी नहीं हो रही है, रिटायरमेंट मेरी पूरी फैमिली की हो रही है, क्योंकि फैमिली से जब कोई पुलिस में होता है वो सीक्रेसी मेंटेन करना, वो टेंशन सारी साथ में झेलना, लेट आवर्स, अर्ली मॉर्निंग्स, डीलिंग विद एवरीथिंग अलोन, ये सारा कुछ फैमिली भी सहती है। तो जब रिटायरमेंट हुई इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ देम, वो सब साथ में रिटायर हुए। इस किताब में अपने पैशन स्पोर्ट्स को लेके उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। रेलवेज में जब वो थे तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया विच इज़ अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बॉम्बे। अपनी पर्सनल लाइफ में रीडर को पूरा लेकर नहीं चले गए हैं, लेकिन उतना ज़रूर बताया है जितना ज़रूरी था। जिस तरह किताब शुरू होती है कि उनके फादर पंजाबी थे और उनकी मदर हिमाचल से, धर्मशाला से, उनके माता पिता की एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन उनके पिता से पहले उनकी मदर की शादी पक्की हो गई थी एक बहुत बड़ी फैमिली में, ये एक जॉइंट फैमिली थी, जिससे उनकी नानी बिल्कुल खुश नहीं थी कि इतने बड़े परिवार में मेरी बेटी तो पिसकर रह जाएगी। तो जैसे ही उनके पिता का रिश्ता आया उनकी नानी ने झट से हाँ कर दी थी। मदर और फादर दोनों ही लविंग थे, लेकिन मदर डिसिप्लिन का ध्यान भी रखती थी। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को पैम्पर करना था। उनके फादर बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे, फादर एक्सट्रोवर्ट थे और मदर इंट्रोवर्ट, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। इस बुक में अपने कलीग्स को ट्रस्ट करना, उनमें अपने लिए ट्रस्ट डेवलप करना, इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क होना, इन सारी बातों को बताया है। कुछ बातें जो ऑब्जर्व करने वाली है वो आपसे शेयर करूंगी। पहली बात जो इसमें लिखी है पुलिस वालों को लेकर, वो मैं सोचती हूँ कि सारे सिस्टम में एप्लीकेबल हो सकती है। लिखा है कि कोई भी पुलिस वाला अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके अपने सीनियर के पास नहीं जाता, क्योंकि ये एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग होती है कि सभी को कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ देयर रूटीन, देयर हार्ड ड्यूटी, कुछ भी। ये प्रॉब्लम सीनियर्स के घर में भी है और जूनियर्स के भी, वो सब एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं लेकिन इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग एंड गोइंग ऑन। प्रॉब्लम्स पर जितना ध्यान दिया जाए ना वो उतनी ही बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, पर हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑल इन ऑल एक बढ़िया सर्विस टेन्योर रहा इनका, लेकिन टुवर्ड्स द एंड बिकॉज ऑफ शीना बोरा केस, किताब में कुछ SMS मेंशन है राकेश मारिया और उस वक्त के CM महाराष्ट्र के, बिकॉज ऑफ मीडिया कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, कुछ ऐसी बातें डिलीवर हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इससे रिलेटेड ही एक बात और राकेश मारिया बोलते हैं कि पहले का समय जो उनका था उसमें क्राइम बीट पर सीनियर रिपोर्टर्स आते थे, उन्हें समझ थी कि क्या बात बोलनी है, कितनी बात बोलनी है, इन्वेस्टिगेशन में कहां तक जाना है। दे वर ऑल सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड। आगे आने वाले अपने फेलोज के लिए वो बोलते हैं कि सर्विस और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब जो रिपोर्टर्स आ रहे हैं दे आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल, नीदर सेंसिबल विद देयर वर्क। सो दिस वॉज राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ फॉर यू। इसमें मैंने आपको गैंग वॉर्स के बारे में नहीं बताया है, उनकी पर्सनल चीजें, उनकी ऑब्जर्वेशन लाइफ को लेके, उनके खास एक्सपीरियंसिस वो शेयर किए हैं
क्योंकि जो ज्ञानवास के छोटे 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 चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी को बाय हार्ट है, कब क्या हुआ कैसे हुआ। प्रॉब्ली कुछ एक चैप्टर्स में ऐसा लगता है कि ये पुलिस का एंगल है, इस तरह चीज़ें हुई थी, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, काफ़ी मोटी बुक है, आप ज़रूर पढ़िए। सब्सक्राइब टू हिमाचल वायर फॉर स्टोरीज स्टोरीज एंड स्टोरीज बट फॉर द स्टोरीज विच मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।